सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन, तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो पैथोजेनिक एनकाउंटर है कि जो पैथोजन से एनकाउंटर हो रहा है उसकी मेमोरी रिटेन कर सकती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो पैथोजन स्पेसिफिक होने के साथ साथ क्या कर सकती है, मेमोरी को रिटेन कर सकती है। सो इट कैन रिटेन द मेमोरी ऑफ पैथोजेनिक एनकाउंटर। तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, जब पैथोजन पहली बार आ रहा है, लेट अस मेक अ ग्राफ टू अंडरस्टैंड दिस। यहां पर हमने लिखे हैं डेज, यहां पर हम बता रहे हैं एंटीबॉडीज का लेवल, कि जब पहली बार पैथोजेनिक एनकाउंटर होगा तब हमारी बॉडी एक वीक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। वीक इसलिए क्योंकि उस समय पर जो बी और टी सेल्स की आर्मी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ सेल्स रिक्रूट हुए हैं उस पैथोजन को हटाने के लिए, एंड वी मे फॉल इल। तो वो वीक जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा पहली बार में, दैट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब मान लो इस केस में क्या होगा, जो एंटीबॉडी बनेगी हमारी IgM बनेगी और IgG भी बनेगी, लेकिन कम अमाउंट में बनेगी। IgM जो है IgM और IgG दोनों ही कम अमाउंट में बन रही है, लेकिन जब दोबारा वो पैथोजन आएगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। मान लो वही पैथोजन दोबारा आ गया बॉडी में, तो अब क्या होगा, बॉडी उसको पहचान लेगी। कैसे पहचान लेगी, उसके पास में पहले थे इफेक्टर सेल्स और उसने क्या बनाए थे, मेमोरी सेल्स बनाए थे। अब दोबारा आने पर यही मेमोरी सेल्स वापस से प्रोलिफरेट करेंगे और हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा, और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा इट विल बी हाईली इंटेंसिफाइड, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जिसकी वजह से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सेकेंड टाइम में जो एंटीबॉडीज बनेंगी IgG का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, दिस इज हाईली इंटेंसिफाइड। IgG विल बी प्रोड्यूस इन ग्रेटर अमाउंट्स। सो दिस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्यों जनरेट हुआ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि जो पैथोजेनिक इंट्रैक्शन है इसकी मेमोरी बॉडी ने रिटेन कर ली, तो मेमोरी सेल्स की वजह से हुआ, मेमोरी की वजह से हुआ, डाइवर्सिटी की वजह से नहीं हुआ, मेमोरी की वजह से हुआ। डिस्क्रिमिनेशन या रिकॉग्निशन इज नॉट राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हियर।